पिछले साल रेलवे ने कुछ प्रीमियम ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर मॉडल शुरू किया था। इसके मुताबिक पीक आवर में ट्रेनों का किराया बढ़ जाता था। इससे रेलवे को रेवेन्यू का तो फायदा हुआ, लेकिन पैसेंजर कम हो गए। वेस्टर्न रेलवे की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्लेक्सी फेयर की वजह से इस जोन में जनवरी से अक्टूबर 2017 के बीच लगभग 1.34 लाख यात्री घटे। हालांकि इस दौरान वेस्टर्न रेलवे ने लगभग 54 करोड़ रुपए ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया। इस दौरान सेकेंड एसी का किराया हवाई जहाज के किराए से ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अब रेलवे का किराया एयरलाइंस की तरह डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल से तय होगा। इसके तहत किराया बढ़ेगा भी और घटेगा भी, यानी सीटें खाली रहने पर किराए में डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। रेलवे की कमेटी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं, उनके समय पर पहुंचना और कैटरिंग सर्विसेज के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, जिसमें सुपर प्रीमियम ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन और नॉन प्रीमियम ट्रेन होंगी। सुपर प्रीमियम ट्रेन की सालाना पंक्चुअलिटी 90% से ज्यादा होगी, जिसमें कस्टमर्स फीडबैक भी शामिल होगा, जबकि प्रीमियम ट्रेन की पंक्चुअलिटी 80% से 90% होगी और इससे कम पंक्चुअलिटी वाली ट्रेनों को नॉन प्रीमियम ट्रेन की कैटेगरी में रखा जाएगा। पूरे साल को छुट्टियों, त्योहारों, मैरिज और एग्जाम सीजन के आधार पर पीक, नॉन पीक और स्लैक सीजन में बांटा जाएगा। पीक सीजन में सुपर प्रीमियम ट्रेनों का किराया ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जबकि नॉन पीक सीजन में थोड़ा और स्लैक सीजन में डिस्काउंट दिया जाएगा। इसी तरह पीक सीजन में प्रीमियम ट्रेनों का किराया थोड़ा बहुत ही बढ़ाया जाएगा, लेकिन नॉन पीक और स्लैक सीजन में बेस रेट पर या किराए में छूट दी जाएगी। नॉन प्रीमियम ट्रेन में भी पीक सीजन में थोड़ा बहुत किराया बढ़ाया जाएगा, जबकि नॉन पीक में अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर किया जा सकता है। सुपर प्रीमियम ट्रेन में पीक सीजन में लगभग 10% बर्थ पर नॉर्मल किराया होगा, लेकिन उसके बाद हर अगली 10% बर्थ पर 10% किराए में वृद्धि होती रहेगी। किराए की कोई अपर लिमिट नहीं होगी। हालांकि जर्नी डेट से 2 दिन पहले 50% टिकट ही बिके, तो हर 12 घंटे में टिकट का किराया इसी स्लैब के हिसाब से कम होता चला जाएगा। यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक चार्ट नहीं लग जाता। चार्ट लगने के बाद भी ट्रेन खुलने से पहले तक सीटें खाली रहने पर 10% डिस्काउंट और दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।